Hi guys, in this video I will be sharing with you a secret tip, a special advice which will help you get a dream rank in JEE 2022. And I'm so confident of this advice ki agar aap is baat ko follow karte hain even for 2-3-4 days, theek hai, ek do mahine mein to kafi change dikhega, lekin agar aap even 1-2-3 din ke liye bhi is baat ko religiously follow karte hain jo main kehne wala hu, you will see a drastic improvement in your JEE preparation level. Aapko ekdam se confidence aur apni jo clarity hai preparation ko leke wo ekdam se boost hogi, karke dekhna. Okay, तो टिप शेयर करने से पहले गाइस एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए रहेगी कि हमारा जो JEE 2022 का अल्टीमेट कोर्स था AcadBoost पे, उस पे आपको 15th ऑफ जुलाई तक 50% डिस्काउंट मिल रहा है. आखिरी बार ये ऑफर तब आया था जब हमने कोर्स एकदम लॉन्च किया था 6-7 मंथ्स पहले लगभग, और उस समय लॉन्च डिस्काउंट तो हम हर कोर्स पे देते ही है. उसके बाद ये पहली बार आ रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कोर्स नहीं ले पा रहा था, या किसी को लेने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, या इन जनरल भी कोई इंटरेस्टेड हो, this is the time for you. 15th of July तक रहेगा ये available. Description में link मिल जाएगा. किन किन के लिए useful है, क्या क्या इसके अंदर है, details in the end of the video. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं guys उस tip के साथ जो मैं आपको देने वाला था. तो guys आपको क्या करना चाहिए, पहली बात सबके पास एक notebook होनी चाहिए JEE preparation की, जिसके अंदर वो अपनी preparation को track करें, monitor करें. ठीक है, आपके टेस्ट परफॉर्मेंस वगैरह हो गई है, आपकी मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, ये सब तो आपको ट्रैक करना ही है. अब आप क्या करें, इस तरह की जहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं ये वाली, आप उसके अंदर तीन पेजेस सेपरेट कीजिए, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री. इन तीनों पेजेस के अंदर आप तीन कॉलम्स बनाइए. ठीक है, तीन कॉलम्स बनाइए तो टोटल 9 कॉलम्स हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीन तीन कॉलम्स ईच. इन कॉलम्स के अंदर आपको लिखना है ए माइनस, ए और ए प्लस. अब ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. सो हम बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि हमारे चैप्टर्स जितने भी है JEE प्रिपरेशन में जो अभी तक हमारे हुए हैं, उनको हम सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज, डिपेंडिंग ऑन हमें वो कितने अच्छे से आता है. सो ए प्लस कैटेगरी इज फॉर दोज पीपल, या फॉर दोज चैप्टर्स जिनमें आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इफ़ यू आर गिवन अ JEE एडवांस लेवल क्वेश्चन, आप उसको कर लोगे. कर लोगे का मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को कर ही डालोगे कि भाई कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट तुम कर ही लोगे. नो, इट मीन्स कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है यार कि अगर मुझे लेट्स से मोल कॉन्सेप्ट को तुम कंसिडर कर रहे हो, क्या तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें अगर JEE एडवांस का कोई प्रीवियस या क्वेश्चन दे दिया, तुम उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि सॉल्व कर लोगे, बस अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, क्या इतना कॉन्फिडेंस है? इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, पुट इट इन ए प्लस कैटेगरी एंड डू दिस फॉर ऑल चैप्टर्स. ओके, अगर आपको कॉन्फिडेंस JEE एडवांस का नहीं है, क्या आपको JEE मेन का कॉन्फिडेंस है? कैन यू टेक एनी JEE मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड यू आर एबल टू सॉल्व दैट, और एटलीस्ट अटेम्प्ट इट कि तुम एटलीस्ट उसमें कुछ कर पा रहे हो, ब्लैंक नहीं हो गए? इफ येस, देन दैट बिलोंग्स टू ए कैटेगरी. अब ऐसे टॉपिक्स की बात करते हैं यार जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, या जिनको आपको पढ़ा ही नहीं है, जिनमें मेजर बैकलॉग है, जिसमें तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है. ये हो सकता है रोटेशन, रोटेशन कई बच्चों का वीक होता है. मोमेंटम हो सकता है वीक, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम, ये काफी बच्चों का वीक होता है. कई बच्चों का जो पैराबोला एलिप्स वाला है वो हिला हुआ होता है, कुछ लोगों को पी एंड सी समझ नहीं आता है. ये पॉसिबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं ए माइनस के, हर बच्चे की लिस्ट देखो अलग रहेगी. ठीक है, तो समझ गए ना, ए प्लस जिनके अंदर तुम्हें एडवांस लेवल का कॉन्फिडेंस है, ए जिनके अंदर तुम्हें मेन्स लेवल का कॉन्फिडेंस है, एंड ए माइनस जिसमें तुम्हें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जिसको तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है. डू दिस टूडे, ये लिस्ट आज की तारीख ही बैठ के बनाओ, जो भी काम करो यू कैन लीव इट एंड मेक दिस लिस्ट टूडे. ये क्यों हेल्पफुल है? ये काफी मामलों में हेल्पफुल है. पहली बात ये है कि यार कई बच्चे क्या बस पढ़ाई करते जाते हैं और कोई ट्रैकिंग नहीं रखते हैं. ये बहुत अच्छी ट्रैकिंग होगी क्योंकि तुम एक क्वांटिटेटिव वे में मेजर कर पा रहे हो कि तुम्हारा कितना पोर्शन सिलेबस अच्छे से कवर हो गया है. तो सबसे पहले तुम्हारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी टॉपिक्स ए माइनस में थे, सो अभी तक लेट से तुमने 11th का तो पढ़ ही लिया होगा, 12th का कुछ शुरू हो गया होगा, तो अभी तक जो पढ़ा है उनको इसमें कैटेगराइज करते जाओ. आगे चल के जैसे जैसे आपको टीचर्स और पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस जैसे और कवर होगा, आप बाकी टॉपिक्स भी इनके अंदर लिस्ट करते जाओ. आपका अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि आपके सारे टॉपिक्स ए प्लस में चले जाए, अगर नहीं तो एटलीस्ट ए माइनस में कोई टॉपिक ना रहे. ओके, तो जो टॉपिक्स ए माइनस में है उनके अंदर तुम धीरे धीरे पिकअप करो और उनको ए के अंदर मूव करने की कोशिश करो. ठीक है, पहले सारे टॉपिक्स ए माइनस से कम करो, मिनिमाइज करो. केवल कोई टॉपिक जिसका कम वेटेज हो या जो बिल्कुल ही तुम्हें आता ही पता नहीं चल रहा हो, उनको तुम रहने दे सकते हो. अदरवाइज ट्राई करो कि ए माइनस से ज्यादातर टॉपिक्स हट जाए और एटलीस्ट ए में आ जाए. एक बार चीजें ए में आ जाए उसके बाद आपको उन्हें ए प्लस में लाना है. तो ए माइनस टू ए वाला जो काम है वो आप ट्राई करें कि ईयर एंड से पहले कर लें. ठीक है, दिसंबर 2021 से पहले हो जाए तो बढ़िया है. और ए से ए प्लस करने वाला काम तो देखो बहुत टाइम मिलेगा, एडवांस तो बहुत दूर है अभी, तो टाइम मिलेगा उसके लिए. ओके, अब ये चीज करने के काफी ज्यादा बेनिफिट्स और भी हैं. पहली बात ये कि यार तुम्हारे सामने ये चीज अगर रोज रहेगी ना, तुम अगर एक
अपने सामने ही चिपका देते हो कि यार ये टॉपिक यहाँ से कट के वहाँ गया, तो तुम्हें एकदम से मोटिवेशन भी मिलती है कि यार आज मुझे ये टॉपिक हटाना है, ए माइनस से हटा के आई हैव टू पुट इट इन ए प्लस। ये मोटिवेशन एक आती है जब हमारे सामने हमारा गोल लिखा हुआ होता है। ओके, इसके अलावा तुम उसको ट्रैक भी बेटर तरीके से कर पाओगे। ओके, तो ये एक चीज़ है, ये एक टिप है जो मैं पर्सनली फॉलो किया करता था, लेकिन ये थोड़ा मुझे लेट डिस्कवर है, ये मैंने 12th के ऑलमोस्ट एंड पे डिस्कवर किया था, लेकिन तुम लोग अभी से इसको फॉलो करो, काफ़ी फायदा रहेगा। और ये लिस्ट ऐसा नहीं कि आज बना के छोड़ दी, यू नीड टू सी इट एवरी वीक, हर वीक जाके इस लिस्ट में देखो और देखो कि आज इस वीक तुमने कौन सा टॉपिक है जो ए माइनस से ए किया हो या ए से ए प्लस किया हो। हमेशा तुम्हारा गोल यही होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ एवरी वीक एटलीस्ट एक टॉपिक की कैटेगरी हम चेंज करें और ऊपर लेके जाएं। ओके, अब यहाँ पे उल्टा भी होगा, अगर आप किसी टॉपिक को बहुत दिन तक पढ़ोगे ही नहीं, अगर आपने कैलकुलस जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली और ए प्लस तक पहुँचा लिया और फिर 6 महीने छुई नहीं, तो आप भूल जाओगे। रिविजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो तब देखो अपने आपको, रैंडमली टेस्ट करो। ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन उठा लो जेई एडवांस की प्रीवियस ईयर, क्या तुम कर पा रहे हो 5 के 5? या तुम्हें समझ में आ रहा है या तुम एकदम ही ब्लैंक हो गए। अगर ब्लैंक हो गए तो कट करो ए प्लस को और ए लिखो उसकी जगह। ओके, अपने आपको पनिश भी करना है, ऐसा नहीं कि बस खुश होए जा रहे हो कि अरे ए प्लस कर लिए और फिर भूल गए, रिविजन ही नहीं किया। नहीं, रिविजन नहीं करने से अगर भूल जा रहे हो, देन प्लीज पुट इट बैक इन द राइटफुल कैटेगरी एंड वर्क हार्ड टू मेक श्योर कि तुम्हारे ज्यादातर टॉपिक्स ए या ए प्लस में ही रहे। ये लिस्ट अगर तुम रेगुलर मेंटेन करते हो, इवन आज भी बनाते हो, कल देखना तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी दिखेगी। और अगर 1-2 महीने तुमने कर लिया तो भाई एकदम ही यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हें क्वांटिटेटिव मेजर मिल रहा है अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने का। अब टॉपिक्स को आपको ए से ए प्लस ले जाने में, अगर आपको शॉर्ट टाइम में ले जाना है, देन वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू इज टू एनरोल इन जे 2022 अल्टीमेट कोर्स। 15th of July पे, इस जुलाई तक इस पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है। मैं फटाफट से बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या रहेगा, किसके लिए यूजफुल है वगैरह वगैरह, जिनको अगर लेना हो तो 15th of July से पहले पहले लेंगे आप, 50% ऑफ इस पे रहेगा। तो ये कोर्स उनके लिए यूजफुल है गाइस, सबसे पहले वो जो अपनी कोचिंग वगैरह से फ्रस्ट्रेटेड है, जिनको कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है। सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, इनमें मैंने भी आपको पढ़ाया और मैंने बाकी टीचर्स भी ला रखे हैं, इन केस यू डोंट लाइक मी, वैसे तो तुम्हें मेरा पसंद आएगा। ओके, इनके अंदर जितनी भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको नहीं आनी चाहिए, जो आपको नहीं पढ़नी चाहिए, जैसे कई सारे लोग थ्योरम्स को जबरदस्ती प्रूव करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ाते हैं, अननेसेसरीली एग्जाम्पल्स देते हैं, वो सारी चीज़ें कट कर दी गई है जिससे कि चैप्टर की ड्यूरेशन कम हो गई है। तो आप इसको अपने फ्री टाइम में देख सकते हो जब आप कोचिंग से फ्री हो जाओ, ताकि कोई बैकलॉग है वो फटाफट से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको DPPs वगैरह दी हैं, जिसमें भी उतने ही क्वेश्चंस हैं जितने आपके JEE के लिए हेल्पफुल हैं, ऐसा नहीं कि ओवरलोड कर दिया गया है। सो यू विल फाइंड इट रियली रिलैक्सिंग, काफ़ी तुम्हें वर्कलोड अपना कम होता हुआ दिखेगा और आउटपुट सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स को डायल्यूट करके कर दिया, नहीं, बस जो बिन मतलब की जो क्रैप है वो हमने यहाँ पे एलिमिनेट की है। ठीक है, यू कैन यूज इट एज अ स्टैंड अलोन मटेरियल एज वेल, अगर तुम सेल्फ स्टडी करते हो तब भी उस पर, अगर तुम ऑलरेडी कोचिंग जाते हो तब भी तुम इसको एज अ साइड रेफरेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो ए से ए प्लस ए माइनस टू ए, इसके लिए स्पेशली ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो होता है ना ट्रांजिशन ए माइनस टू ए टू ए प्लस, इसमें कई बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि कई जगहों पर इतना ज़्यादा कंटेंट दे दिया जाता है जो कई बार बच्चों को जरूरत भी नहीं होती। कई बार तो ए प्लस 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 लेवल की चीज़ें दे दी जाती है, जबकि बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ए माइनस से ए पे तो जाएं, जेई मेन तो हम कर पाए। वो इस कोर्स में आपको ये वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी, ईजिली तुम अपने बैकलॉग्स क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तुम वेबसाइट या ऐप दोनों से ऑर्डर कर सकते हो। 15th of July लास्ट डेट है। दैट वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक डेट। तो क्या बोला मैंने, तीनों टॉपिक्स के अंदर ऑल द टाइम हर वीक आपको अपडेट करनी है लिस्ट, जिसके अंदर आप ए प्लस ए माइनस और ए टॉपिक्स को लिस्ट करेंगे। जो टॉपिक सबसे वीक है वो ए माइनस, जो टॉपिक्स ठीक ठाक है जेई मेन लेवल के दे आर ए, एंड जो टॉपिक्स बहुत ही अच्छे हैं एडवांस लेवल के दे आर ए प्लस। योर एफर्ट शुड ऑलवेज बी कि ए माइनस टू ए और ए टू ए प्लस हम टॉपिक्स को लेके जाएं, और एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन एवरीथिंग इज इन ए प्लस और एटलीस्ट ए। ओके, तो यही थी वो सीक्रेट टिप, यही थी वो एडवाइस, एंड इसको फॉलो करके देखना गाइस, तो मैं आज ही डिफरेंस दिखेगा। अब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कैटेगराइजेशन कर देते हैं, वो भी सही नहीं है। ए माइनस ए और ए प्लस, तीन कैटेगरीज आर गुड, दे आर द बेस्ट, दे आर द मोस्ट ऑप्टिमल। और इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू परचेज द 2022 अल्टीमेट कोर्स, आपको 15th of July तक उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। थैंक यू, वॉच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।